Today I am going to start the second unit of class 12th physics, that is current electricity. Current electricity means it is the branch of physics in which deals with the study of electric charges in motion. जैसे हमने first unit में पढ़ा electrostatic, जिसमें हमने study किया electric charges in rest. And electric charges in rest can produce electric field, electric potential, electrical force. अब इस chapter में हमें पढ़ना है electric charges in motion. And because of electric charge in motion, electric current produced and the application of electric current. ये सारी चीजें हम इस chapter में पढ़ेंगे. So we are going to learn about how the charges which are in motion constitute the current to study how current is used in our डेली लाइफ. तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का यूज है और कैसे मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट. इसी क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. इट इज सिंपली डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो सिंपली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो होता है इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. या सिंपली हम बोल सकते हैं द टाइम ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अब इसमें जो करंट है यहां हम दिखा रहे हैं, इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज स्टडी, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, वो वेरी नहीं कर रहा है. जितना भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंट है. जैसे 5 कूलम चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड स्टडी फ्लो ऑफ करंट. सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के साथ वेरी करता है, सो करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. तो यह है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज. तो अगर टाइम के साथ इलेक्ट्रिकल चार्ज वेरी करेगा, सो दैट करंट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम वेरिंग करंट. दिस इज वेरिएबल करंट. तो यहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट यहां पर शो किया हुआ है ग्राफिकली. इसमें जैसे ग्राफ हम दिखा रहे हैं करंट आई और टाइम के लिए, और ये जो फर्स्ट ग्राफ है वो ए है, एंड दिस ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, सो इट रिप्रेजेंट स्टडी करंट. तो यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है. तो स्टडी करंट विच डज नॉट वेरी विथ टाइम, जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती है. सेकेंड जो बी ग्राफ है और सी ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विथ टाइम. तो बी जो ग्राफ दिखा रहे हैं और जो सी है, इसमें दोनों में ही जो करंट है इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है. सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल करंट या टाइम वेरिंग करंट. इसके बाद नेक्स्ट है यहां जो हम दिखा रहे हैं डी, जो ग्राफ डी है ये रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेटिंग करंट. तो अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली. तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज होगा और डायरेक्शन भी पीरियडिकली चेंज होती है. जैसे इनिशियली क्या है, ये पॉजिटिव हम दिखा रहे हैं, आफ्टर हाफ साइकिल ये निगेटिव हो गया, एंड अगेन पॉजिटिव एंड अगेन निगेटिव. तो जो करंट की जो पोलरिटी है इट कंटिन्यूअसली चेंजेस, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑल्सो चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इट इज कॉल्ड करंट. अब नेक्स्ट है बच्चों कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट मींस, कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्जेस का अगर मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट की जो भी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की. इट इज जस्ट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल अप्लाई करेंगे
तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोमेंट ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बच्चों होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. सो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये प्लस से माइनस जाते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की जो भी डायरेक्शन है इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल करंट और इट इज जस्ट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. सो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. सो द फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. सो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उसका करंट के साथ क्या रिलेशन है. फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके डेरिवेशंस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं. तो यहां पर बच्चों इसमें है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, जैसे एक कंडक्टर है और यहां पर हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, अगर बैटरी कनेक्ट ना करें तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं जो कि बहुत फास्ट है, 10^5 10^4 मीटर पर सेकेंड है. तो बहुत फास्टली मूव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बट नो एनी फिक्स डायरेक्शन. वो रैंडमली मूव करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है इट विल बी जीरो. तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो, वो जीरो होती है. तो उसमें कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं होती है. लेकिन अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेगा विद द अदर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, बैटरी अगेन एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा. तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है इट इज ड्रिफ्टेड मोशन बट एक डायरेक्शन है उसमें. तो ड्रिफ्टेड मोशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक मिनिमम एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर पाते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इलेक्ट्रॉन्स की पहले जो एवरेज वेलोसिटी थी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो थी बट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ने एक मिनिमम एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर ली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ द डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसमें हमें डिराइव करना है फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन. जैसे कि हम जानते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे. सो द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो. सो वी एवरेज इक्वल वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी एन अपॉन एन इज इक्वल टू जीरो. वेयर वी वन वी टू वी थ्री वी एन आर द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट्स एवरेज विल बी जीरो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई. यहाँ नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पर नहीं है इसमें. तो एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई.
तो स्मॉल ई कैपिटल ई क्यों आया, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है क्यू इंटू ई, और ये स्मॉल ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, सो इट इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई। माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। सो दिस एफ इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई इन वेक्टर फॉर्म। नाउ द एक्सेलेरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ए इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो इस एम को यहां से हम डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलेरेशन निकल आएगा ईच इलेक्ट्रॉन का। तो ईच इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलेरेशन है दैट इज ए इज इक्वल माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वी वन प्लस ए टाउ वन। बच्चों वी वन ये इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, दैट इज थर्मल वेलोसिटी, और ए है एक्सेलेरेशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टाउ वन इज द रिलैक्सेशन टाइम कि जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है विदाउट एनी कोलिजन। तो इतने टाइम तक इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द एक्सेलेरेशन। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इक्वल वी वन प्लस ए टाउ वन। इसी टाइप से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वी टू प्लस ए टाउ टू, एंड फॉर nth इलेक्ट्रॉन वी एन प्लस ए टाउ एन। अब इन सब वेलोसिटीज का एवरेज हम फाइंड करते हैं। नाउ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, तो जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज इक्वल वी वन प्लस ए टाउ वन प्लस वी टू प्लस ए टाउ टू प्लस वी थ्री प्लस ए टाउ थ्री एंड सो ऑन। दिस इज वी एन प्लस ए टाउ एन डिवाइडेड बाय एन। तो जितनी भी वेलोसिटीज हैं, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वी गेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स दैट इज वी डी। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में है बच्चों कि हमें पता है कि वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड सो ऑन वी एन। तो वेलोसिटीज जो हैं वी वन वी टू वी थ्री और वी एन, इनका जो एवरेज है वो जीरो है। जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा है कि वेलोसिटी जो वी एवरेज है इट इज इक्वल टू जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी वन प्लस वी टू वी थ्री एंड वी एन अपॉन एन इट इज इक्वल टू जीरो। एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, वी डी इज इक्वल टू, अब हमारे पास हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू ए टाउ। ए टाउ कैसे आ गया, ए तो कॉमन है और जो ये टाउ है दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल रिलैक्सेशन टाइम। तो ऑल रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टाउ एन अपॉन एन। सो दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो टाउ इज इक्वल टू एवरेज टाइम कोलैप्स्ड सिंस ईच इलेक्ट्रॉन सफर्ड कोलिजन। तो यहां से हो जाएगा इट इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू एंड टाउ एन अपॉन एन। देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला वी डी इज इक्वल टू ए टाउ। दिस इज द मेन फॉर्मूला, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ। बच्चों ए की जो वैल्यू है, ए इज इक्वल टू हमने फाइंड किया है माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। सो दिस ए रिप्लेस विथ दिस वैल्यू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। सो वी गेट द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी डी इज इक्वल माइनस ई कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम। दैट मीन्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका ये फॉर्मूला है वी डी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन को डिराइव करना है। तो
इसमें हम सपोज करते हैं कि एक कंडक्टर है एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, एरिया ऑफ कंडक्टर इज ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। उसमें जो हमने बैटरी कनेक्ट की है उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है। और सपोज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल एन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस कंडक्टर में इन पर यूनिट वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं स्मॉल एन। तो इसमें अगर हम फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, तो वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई विथ द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो बच्चों वॉल्यूम अगर हम निकालें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मल्टीप्लाई विद द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा एन ए एल। अब इससे हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, बट हियर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एन ए एल। सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू स्मॉल ई इन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू एन ए एल। सो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू ई इंटू एन इंटू ए इंटू एल, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन ए एल इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो ये आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला हमारे पास है। और क्यू की जो वैल्यू है दिस क्यू इज इक्वल टू है एन ई ए एल, इसको हमने पुट कर दिया तो आई इज इक्वल टू एन ई ए एल अपॉन टी हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर ये डिस्टेंस हो जाएगी एंड टाइम उसको लग रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव करने में वो टी टाइम है। सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी डी इज इक्वल टू एल अपॉन टी। सो दिस एल बाई टी रिप्लेस विथ वी डी, उसको हम वी डी से रिप्लेस कर देंगे। सो वी गेट द रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए करेंट डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड दैट द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। या सिंपल टर्म्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। तो अगर करंट का फ्लो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर है तो उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी होगी इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया। तो वो इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि जो करंट का फ्लो है इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, जैसे ये एरिया हमको गिवेन है तो यहां पर जो एरिया ये सर्कुलर पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं सर्कुलर पोर्शन के जस्ट परपेंडिकुलर करंट का फ्लो है। तो इस सर्कुलर पोर्शन के किसी पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी होगी इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया, बिकॉज पूरे एरिया से जो करंट लिंक है दैट इज आई। तो उस केस में एक पॉइंट से जो करंट लिंक होगी इट विल बी करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। कंडीशन इज द फ्लो ऑफ करंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द एरिया। अगर हम यहां पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इट इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो एरिया वेक्टर एंड करंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जे इज द सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी एंड आई इज इक्वल टू हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ है एन ई ए वी डी, तो उसको ए से डिवाइड कर दिया सो वी गेट एन ई वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। सो जे इज इक्वल टू एन ई ए
वीडी, एनी वीडी सॉरी। तो जे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी है, ये इस बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए आपको पहले डिराइव करना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एनी ए वी डी, फिर उसको हम एरिया से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। सो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आई इज इक्वल टू है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मीन्स करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर यहाँ पर करंट का फ्लो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जे वेक्टर एरिया वेक्टर दोनों ही पैरेलल होंगे इन दिस केस, सो करंट आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा होगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो आई इज इक्वल टू जे ए हो जाएगा, सो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला हमें मिलता है। बट अगर हम सपोज करें कि जो करंट का फ्लो है वो किसी सरफेस के पैरेलल है, अगर सरफेस के पैरेलल हम दिखा रहे हैं करंट का फ्लो, तो उस केस में थीटा 90 होगा, अगर कॉस 90 है सो करंट डेंसिटी विल बी इनफाइनाइट, सो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, सो जे वेक्टर इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में, इफ द फ्लो ऑफ करंट इज पैरेलल टू द सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक जिससे आप काफी फेमिलियर हैं, ये क्लास 10th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर, जैसे इस टाइप से हमने एक कंडक्टर दिखाया हुआ है यहाँ फिगर में दिखा रहे हैं, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जा रहा है, आई करंट ये फ्लो होने लगी है। तो जैसे जैसे इस बैटरी के पोटेंशियल को हम इंक्रीज करें, द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो करंट का जो फ्लो है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो करंट की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज होगी इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, कीपिंग द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द कंडक्टर कॉन्स्टेंट। तो फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं, फिजिकल जो कंडीशंस हैं, अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर, इसका एरिया, इसकी लेंथ अगर हम कॉन्स्टेंट करें, तो इन दिस केस द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ओम्स लॉ। सो एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर हमको यह मिल जा रहा है कि वी प्रोपोर्शनल टू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो वी इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर, वेन प्रोपोर्शनल साइन रिमूव देन प्लेस द कॉन्स्टेंट, सो वी इज इक्वल टू आई आर। यहां जो आर है, दिस आर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उसको इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहां जो ग्राफ गिवेन है बच्चों, ग्राफ है वी और आई का ग्राफ है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम वी आई का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई भी ऐसा कंडक्टर या कोई भी सब्सटेंस है जिसके लिए वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है एंड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन है, सो इट इज कॉल्ड ओमिक रजिस्टर, उसको हम ओमिक रजिस्टर बोलेंगे। अगर वी आई ग्राफ कर्व है तो वो हमारा नॉन ओमिक है, अगर स्ट्रेट लाइन है लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा तब भी वो नॉन ओमिक है। तो वी आई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है एंड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन तभी उसको हम बोलेंगे ओमिक रजिस्टर, और वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस को कैसे हम डिफाइन करेंगे किसी भी कंडक्टर के। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एक तरीके से एक अपोजिशन है, जैसे यहां डेफिनेशन में गिवन है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो किसी भी कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं तो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो भी अपोजिशन कंडक्टर ऑफर करता है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उसको हम उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब उसको वो फ्लो नहीं होने देता या उसके मैग्नीट्यूड को कम कर देता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और जिसका फॉर्मूला हमें मिल चुका है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर हम सपोज करें कि वी है 1 वोल्ट
एंड करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम. तो वैल्यू जो इसकी आएगी दैट इज 1 ओम. तो 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी 1 ओम. तो वो 1 ओम आता है. रेजिस्टेंस अब किन किन फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इसको हम बोल सकते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2 और 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आता है. तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन है अभी, कि मतलब इसमें आर का जो आर जो है ये आर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कि लेंथ को चेंज करें, एरिया चेंज करें, या टेम्परेचर हम चेंज करें, तो किस तरीके से रेजिस्टेंस चेंज होता है और वो उन पर डिपेंड कैसे करता है. तो इसके लिए जो डेरिवेशन है, सबसे पहले हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है NEAVD. तो NEAVD दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब यहां पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पुट कर देंगे अगले इस टर्म में. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी, E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ. हम यहां मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं, तो यहां हमको नेगेटिव और पॉजिटिव उससे मतलब नहीं है, यहां सीधे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी. सो I इज इक्वल टू NEA स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ. तो ये आ जाएगा करंट. और जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई इज इक्वल टू वी बाई एल. वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस और एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर. अगले स्टेप में उसको हम पुट करेंगे. तो यहां पर ई की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है वी बाई एल. तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू वी बाई एल. तो यहां से अगर हम V अपॉन I की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहां पर ये जो था वो L था, अगर हम यहां पर V अपॉन I की वैल्यू फाइंड करें, तो V अपॉन I है इट इज इक्वल M इंटू L अपॉन N E स्क्वायर A टाउ. तो यहां से V अपॉन I, जैसे कि हम जानते हैं इट इज इक्वल टू R होता है, तो ये R हो जाएगा. तो R इज इक्वल टू आपको मिल गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ. तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर. अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, एरिया इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा. इस दैट मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. तो इस पर डिपेंड करता है. तो इस तरीके से रेजिस्टेंस हमारा इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है रेजिस्टिविटी. जैसे क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. तो यहां पर जो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये जो वैल्यू है एल और ए को छोड़ करके, ये होती है हमारी रो. बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर कांस्टेंट होगा, और एट द कांस्टेंट टेम्परेचर टाउ भी हमारा कांस्टेंट होगा. तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं. तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो रो का जो हमें फॉर्मूला मिला, रो इज इक्वल टू है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. तो इस फॉर्मूले में कहीं भी लेंथ या एरिया नहीं है. इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो किसी भी कंडक्टर की लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, केवल उस पर डिपेंड करती है. जैसे क्लास 10th पे हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ द कंडक्टर. तो अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया यूनिट है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया. इस फॉर्मूले में लेंथ और एरिया नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द रिलैक्सेशन टाइम. इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द फिजिकल कॉन्फिग्रेशन, उस पर वो डिपेंड नहीं करता. रेजिस्टेंस आपका लेंथ एरिया पर है, बट रेजिस्टिविटी कहीं भी डिपेंड नहीं करती है.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, किस टाइप से हम रजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं। तो वैसे जैसे कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि दो टाइप से कनेक्ट करते हैं, वैसे यहां पर भी है। रजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन टू टाइप्स, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका सर्किट डायग्राम इस टाइप से गिवेन है। तो यहां पर देखिए थ्री रजिस्टेंसेस हैं एंड दीज रजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड लेंथ वाइज, ऐसे लेंथ वाइज कनेक्ट हैं। तो जहां पर ये रजिस्टेंस आर वन एंड होगा वहीं से दूसरा रजिस्टेंस आर टू स्टार्ट हो रहा है, फिर ये थर्ड रजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया और एन। तो ये एन रजिस्टेंसेस हैं आर कनेक्टेड लेंथ वाइज, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इन रजिस्टेंसेस को हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल वी है, यहां पर गिवन नहीं है लेकिन हम सपोज करते हैं कि एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया, तो इसमें एक करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, आई करंट फ्लो हो रही है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इन ऑल रजिस्टर्स विल बी सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट वी वन, फॉर सेकेंड वी टू एंड फॉर एनथ इट इज इक्वल टू वी एन। तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू एंड सो ऑन वी एन। एज वी नो दैट बाय ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज द रिजल्टेंट रजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर्स। तो वी इज इक्वल टू आई आर, इसी टाइप से वी वन आई आर वन, वी टू आई आर टू एंड वी एन आई आर एन। तो इसमें आई ए कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये हमको मिल जाएगा। तो सीरीज में अगर हम रजिस्टेंसेस को कनेक्ट करें तो उनका जो रिजल्टेंट रजिस्टेंस होगा इट विल बी डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर रजिस्टेंसेस। तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू एंड सो ऑन आर एन। अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं जैसे सर्किट डायग्राम गिवन है, इसमें जितने भी रजिस्टेंसेस हैं उन सब के पहले वाले एंड को एक पॉइंट से कनेक्ट किया है, दूसरे वाले एंड को एक पॉइंट से कनेक्ट किया। इसको हम बोलते हैं एरिया के फॉर्म में हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो ऑल फर्स्ट एंड ऑफ द कैपेसिटर्स सॉरी रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड सेकेंड एंड कनेक्टेड एट द अदर पॉइंट, और यहां पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इन रजिस्टेंसेस विल बी सेम। तो पहले में है वी, सेकेंड के लिए भी वी है और एनथ के लिए भी वी है, बट द करंट इज डिफरेंट। तो करंट इन फर्स्ट रजिस्टर आई वन, फॉर सेकेंड आई टू, फॉर एन आई एन। सो टोटल करंट इज इक्वल आई इक्वल आई वन प्लस आई टू प्लस आई एन। तो इस तरीके से वो करंट ऐड हो जाएगी। करंट का जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू वी बाई आर होगा बाय ओम्स लॉ। तो पहले वाले सर्किट के लिए वी बाई आर वन, वी बाई आर टू एंड वी बाई आर एन। तो सब में ये वी कैंसिल हो जाएगा, सेट वन अपॉन आर इक्वल वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर एन। तो ये है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।